हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ अपनी, जिसका नाम मैंने रखा है सेजवान चिकन। ये बहुत इजी सी रेसिपी है और जल्दी से रेडी हो जाती है। और मेरे वीडियो को फुल देखें, और अगर आपको पसंद आए ये रेसिपी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको फर्दर फ्यूचर नोटिफिकेशन की अपडेट्स मिलती रहें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उसको भी फॉलो कर दें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोनलेस पीसेस लिए हैं, उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। एक प्याज को लिया है, उसको इसलिए मैंने डाइस्ड कर लिया है स्क्वायर पीसेस में। शिमला मिर्च को काट लिया है डाइस करके। लहसुन लिया है, प्याज कली ली है, नमक लिया है, बटर के क्यूब्स लिए हैं, तेल लिया है, रिफाइंड ऑयल, काली मिर्च पाउडर लिया है, शेजवान सॉस लिया है 1/4 कप, और 1/4 कप हमने टमाटो सॉस लिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। बटर डालने से पहले हम रिफाइंड ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि आपका बटर जले ना, और बटर में वाटर कंटेंट भी होता है, इसीलिए हम पहले उसे रिफाइंड ऑयल डालते हैं। अब इसे हम हीट कर लेंगे। अब हम इसमें, ये तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। लहसुन का फ्लेवर इसमें पहले बहुत अच्छा आता है, इसीलिए। उसके बाद हम चिकन के पीसेस को इसमें ऐड कर देंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। अब चिकन के पीसेस को हम इस तरह फ्राई कर लेंगे सारे। इसमें हम नमक डाल देंगे और काली मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसे हम तब तक पकाएंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। ये देखिए आपके चिकन अच्छे से फ्राई हो गए हैं, साइज में रिड्यूस हो गए। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। और अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च और प्याज दोनों को ही हमें सिर्फ सौते ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए हम इसे बाद में डालते हैं। अब हम इसमें प्याज कली डाल देंगे। इनको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल्स डाले हैं, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। पहले भी हमने डाला था अपने स्वाद के अनुसार। 2 मिनट तक इसे और पकने दें। अब हम इसमें टमाटो सॉस डाल देंगे। और शेजवान सॉस डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लें। और इसे अच्छे से फ्राई करें। तो ये देखिए आपके शेजवान चिकन रेडी है। इसको आप स्टार्टर की तरह आराम से खा सकते हैं। कितना कलरफुल लग रहा है, और ये बहुत ही यमी और स्पाइसी रेसिपी है। सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।